टीवी के फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा आज घर घर में अपने खास पहचान बना ली है। उनका शो द कपिल शर्मा शो भी टीवी की दुनिया का सबसे पसंदीदा और फेमस शो है, जहां बॉलीवुड के जाने माने सितारे आते हैं। लेकिन सबको हंसाने वाले कपिल शर्मा की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी था जब उनके पास अपनी बहन की शादी करवाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उनका जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनके पिता जितेंद्र कुमार एक हेड कांस्टेबल थे और उनकी माँ जानकी रानी एक हाउसवाइफ है। कपिल के एक बड़े भाई और बहन भी है। कपिल बचपन से ही बहुत शरारती और चुलबुले थे। बचपन से ही वो अपने हरकतों से लोगों को हंसाया करते थे। कपिल की जिंदगी का सबसे बुरा दौर वो था जब उन्हें पता चला कि उनके पिता को कैंसर है। बीमारी का पता चलने के बाद कपिल उनका इलाज करवाने के लिए दिल्ली अस्पताल एम्स में लेकर गए, लेकिन 2004 में उनके पिताजी का निधन हो गया। तब कपिल सिर्फ 23 साल के थे। पिता के गुजर जाने के बाद कपिल अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए और एक थिएटर में शामिल हो गए। कपिल की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने टीवी के शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया और शो के तीसरे सीजन में वो विनर बने और प्राइज में मिले 10 लाख रुपए से उन्होंने अपनी बहन की शादी की। इसके बाद कपिल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और अपने कॉमेडी के दम पर उन्होंने टीवी शो कॉमेडी सर्कस में भाग लिया और इसके 2 सीजन के वो विनर भी बने। द कपिल शर्मा शो से टीवी पर राज करने वाले कपिल शोहरत पाने के बाद भी एक दौर ऐसा आया जब कामयाबी का नशा कपिल के सिर चढ़कर बोलने लगा। उस वक्त कपिल की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन सभी को पार करते हुए कपिल ने एक योद्धा बनकर वापसी की और इसी शो में जान फूंकते हुए उन्होंने जबरदस्त कमबैक किया।